सुजानपुर में बीजेपी की एक अहम बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की और इस अवसर पर धूमल ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि लोकसभा चुनावों को अब बहुत ही कम समय रह गया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए तीनों मिलकर दिन रात काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर मंडल को सुदृढ़ करने के लिए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता काम करें। भाजपा सर्वस्पर्शी पार्टी है और समाज के सब वर्गों को साथ में लेकर चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के ताकतवर नेतृत्व में से एक हैं, लेकिन असल में उनकी इस ताकत का स्रोत मतदान केंद्र पर बैठे कर्मठ कार्यकर्ता और लोगों से मिलने वाला समर्थन है। प्रोफेसर धूमल ने कर्नाटक चुनाव परिणामों के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि दक्षिणी भारत में भी पार्टी का बहुत विस्तार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान केंद्र पर जब भी बैठक हो तो संगठन की पूरी टीम जो उस बूथ से है वह वहां उपस्थित रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन को मतदान केंद्र स्तर से सुदृढ़ कर रही है, हमेशा करती रही, क्योंकि हमें मानते हैं बूथ जीता चुनाव जीता अपना बूथ सबसे मजबूत। उसी दृष्टि से कुछ जो विस्तार के वो पूरे वर्ष के लिए हिमाचल में गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में पांच पांच विस्तार 15 दिन के लिए आ रहे हैं, जो 15 मई से लेकर 30 मई तक लगातार हर मतदान केंद्र में जाके पुनर्गठन करेंगे, सूचनाएं पहुंचाएंगे, सांसद की उपलब्धियों का पत्र पहुंचाएंगे, प्रदेश सरकार और भारत सरकार की उपलब्धियों का पत्र पहुंचाएंगे, ताकि हर मतदान केंद्र पर सारी जानकारी उपलब्ध हो। उस दृष्टि से मुद्रित की गई ताकि जारी कर सके मतदान केंद्र अध्यक्ष, पालक, बीएलए, ग्राम केंद्र अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, तो सब लोगों की टीम इसके लिए तैयार करें। मैं मानता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है कि उसके कारण और श्री अमित शाह का जो रणनीति कौशल है इलेक्शन मैनेजमेंट का उसके कारण हुई है, वहाँ के कार्यकर्ताओं के कारण हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में प्रवेश कर गई है। सारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व को सारा देश को पाया। जो काम की चीज़ें थी वो तो हो रही है, जो झूठी घोषणा कुछ लोगों ने कर रखी थी उनके लिए कोई पैसे का काम डाले जाओ शायद नहीं हो रही होगी। विपक्ष को चाहिए सरकार के साथ मामला उठाए और काम उठाए, किसी ने चुनाव वहाँ नेचुरली शहरी लोग जो पूरा है उसको गांव के लोग कहते हैं हम लोग बर्दाश्त करें, लेकिन सभी आपसी सूझबूझ से और समझदारी से समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मौके पर सुजानपुर नगर पंचायत के पार्षद दीप कुमार सहित विभिन्न वार्डों से आधा दर्जन लोगों ने कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा का दामन भी थामा। इनमें प्रमुखता मुनीश कुमार, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, सुषमा देवी, पीर मोहम्मद शामिल रहे।